सो हे वी आर, आई एम आदित्य यादव एंड यू वॉचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे याद रख सकते हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ पर जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर समझने की चीज़ें तो बहुत कम है, लेकिन आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा है जिसको आप याद करना पड़ता है। तो इसीलिए आपके हम आज ये सीरीज़ लाए हैं। उस सीरीज़ का नाम है हाउ टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सीरीज़ में हम कई पार्ट्स लाएंगे और आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो चीज़ें हैं समझने वाली वो थोड़ी सी आसान होती जाती हैं आपके लिए। और इसके पार्ट वन में आज हम बात करेंगे कि आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे याद रख सकते हैं। अब आपके लिए फंडामेंटल राइट्स, आपको ये तो पता होंगे कि कौन कौन से राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में, कौन सी चीज़ों में, कौन सी जगह पर यहाँ पर आपके लिए फंडामेंटल राइट कौन कौन से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो स्क्रीन के ऊपर ये रहे आपके लिए 6 फंडामेंटल राइट। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट, आपको ये तो पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन इनको याद करने का तरीका आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा और आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे इसके बाद कौन सा राइट आएगा, इसके बाद कौन सा राइट आएगा। तो आज के बाद आपका वो जो कन्फ्यूजन है वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है जी? क्योंकि आज आपके लिए एक ऑब्जर्विंग, सिंपल ऑब्जर्विंग से आपके लिए एक ट्रिक निकल कर आएगी और उस ट्रिक को आप पहचानिएगा। और आपके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, आप खुद ही बताएंगे जी कैसे इनको याद आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं याद करने के लिए कहूँगा कि आपको ये तो पता होना चाहिए आर्टिकल 32 में आपके लिए जो हैं वो रेमेडीज़ दी गई हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो उनको आप इन्वोक करवा सकते हो। इसको आप याद रख लीजिए। और राइट टू इक्वालिटी कोई भूलता नहीं है जी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 है, ये मैं उम्मीद करूँगा ये आपको पता हो। बस ये अगर आपको बेसिक सी नॉलेज पता है तो आप सारे के सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जी? अब मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, सारे फंडामेंटल राइट्स अभी आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऑब्जर्व कराता हूँ। सबसे पहला राइट है आपके लिए राइट टू इक्वेलिटी। यहाँ पर आप देखिए कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है, इक्वेलिटी, इसको हम लिख लेते हैं जी ई। चलिए जी अगला जो राइट है आपके लिए वो है आपका राइट टू फ्रीडम। अब यहाँ पर आपके लिए कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है जी, एफ निकल कर आ रहा है जी। उसके बाद अगला जो राइट है आपका, आप उसे देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है जी, ई निकल कर आ रहा है जी। ऑब्जर्व कीजिए जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं ये बात। अगली चीज़ जो आती है वो आती है क्या आती है जी, राइट टू फ्रीडम। अब क्या निकल कर आ रहा है जी आपके लिए, एफ निकल कर आ रहा है जी। उसके बाद आप देखिए राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या निकल कर आ रहा है जी, ई निकल कर आ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए मैंने आपको कहा जी आप याद रख लीजिए, ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आपके लिए देखिए पैटर्न क्या बना है, ई एफ ई एफ ई। अब इस पैटर्न को मैं आपको उम्मीद करता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए ई एफ ई एफ ई का पैटर्न बना है, अब आपको ये पता लग गया है कि कौन से आर्टिकल के बाद कौन सा आर्टिकल आता है। लेकिन आप कहेंगे सर मेरी अभी वो वाली समस्या तो सॉल्व ही नहीं हुई कि आर्टिकल नंबर तो मुझे याद रहते ही नहीं है, अब उसे कैसे करें? तो चलिए उसके लिए थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स हम करेंगे और उस बेसिक मैथमेटिक्स से आपका आंसर जो है वो आएगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं। चलिए मैंने आपको कहा राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 सभी लोगों को याद रहता है और उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आपको वो है याद रहा होगा। अभी 14 से 18, अब 18 - 14 की जो आंसर क्या आता है जी आपका 4, ये चीज़ मैंने आपको याद करने के लिए कही है। उसके बाद आपका अगला आर्टिकल देखिए 19 - 22 में से 19 माइनस कीजिए जी कितना आता है जी 3, 24 में से 23 माइनस कीजिए जी कितना आता है जी 1, 25 माइनस कीजिए 28 में से जी कितना आता है जी 3, 30 में से 29 माइनस कीजिए जी कितना आता है जी 1, 35 में से 32 माइनस करिए जी कितना आता है जी 3। अब देखिए आपके लिए पैटर्न क्या बन रहा है, एक तरफ आपका बन रहा है ई एफ ई एफ ई और दूसरी तरफ आपका बन रहा है जी 4, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है 3 1 3 1 3। अब ये पैटर्न आप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर एग्ज़ाम में भी आप कहीं अटकते हैं तो वहाँ पर भी आप ये याद करेंगे कि सर ने मुझे ई एफ ई वाला तरीका बताया था, 4 3 1 3 1 3 वाला तरीका बताया था। और आप कहीं भी अटकें, कुछ भी आपको याद ना आए, आप ये छोटी सी टेबल बनाइएगा और आपके सारे के सारे डाउट्स फंडामेंटल राइट के क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कौन सा फंडामेंटल राइट कहाँ पर आता है, कौन से आर्टिकल में उसके बारे में बात की गई है। और इतने सिंपल से तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए फंडामेंटल राइट के द्वारा एक और चीज़ जो है वो पूछी जाती है कि विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, वैसे तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, वो है आपके लिए आर्टिकल 15, 16, 19,
29 और 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, फॉरेन सिटीजन्स यहाँ पर उसके लिए अवेल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये जो तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। हो सकता है सबका याद करने का अपना अपना तरीका होता है, तो आप भी अपने तरीके को जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं या फिर इसी तरीके को जो है और एडवांस बना सकते हैं और फुल प्रूफ बना सकते हैं। मेरे लिए ये तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, आपके लिए भी हो सकता है 70% लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करे, लेकिन जिन लोगों के लिए काम नहीं करता है वो कोई और तरीका ढूंढिए। अपने अपने तरीके बनाइए पढ़ने के, अपने अपने ट्रिक्स बनाइए, टिप्स बनाइए, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपके आंसर जो हैं वो सही आएँ। और आंसर सही आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने याद कैसे किया है, मेमोराइज़ कैसे किया है, वो एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपको चीज़ें याद रहीं या नहीं रहीं। तो चलिए इस वीडियो के लिए यहीं पर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो यू डिज़र्व टू सब्सक्राइब अस, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है। चलिए अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई और आप और वीडियोज इसमें चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट कर बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रबल कर रही हैं, उनके लिए हम जल्दी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। आपके लिए जो सेल्फलेस सर्विस हम करते रहते हैं उसके लिए आपके 3 चीज़ें तो बनती हैं, जो मैं कलरफुल अक्षरों में लिख देता हूँ। आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिन लोगों में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके साथ साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आप अगली जो वीडियोस हैं ऐसी उन्हें मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।